तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सेट नंबर 15। जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी डाले गए हैं, इसलिए वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा। जो लोग एएलपी और टेक्निशियन की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली उन्हें हम बता देते हैं कि दोस्त आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं। किससे डाले गए हैं? साइंस से। और आपको हम बता देते हैं कि जो लोग नए हैं उन्हें हम बता देते हैं कि दोस्त इस चैनल पे साइंस से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं एएलपी और टेक्नीशियन के लिए, ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड थ्री के लिए। इसलिए जो लोग एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड थ्री की तैयारी कर रहे हैं दोस्त वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरी नंबर बात कि जो लोग अभी तक टेस्ट नहीं दिए हैं दोस्त जाकर के टेस्ट दे लीजिए, आज ही भर तक लिंक एक्टिव है, उसके बाद लिंक को जानते ही है कि डीएक्टिव कर देंगे, फिर आप टेस्ट से वंचित हो जाइएगा। तो टेस्ट से वंचित होने से पहले क्या कीजिए, आप जाकर के टेस्ट दे लीजिए, आज हम किसी समय लिंक को डीएक्टिव कर देंगे, इसलिए मिस मत कीजिए टेस्ट को, जानते हैं कि टेस्ट में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। चलिए इसमें क्या करते हैं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सेट 15 में जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं उसे हम देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक के, तभी पता लगेगा आपको कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी सबसे क्या है कि दोस्त एएलपी और टेक्नीशियन में आने वाला है क्वेश्चन, इसलिए मिस मत कीजिए। चलिए देखिएगा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्त। इसमें कहा क्या जा रहा है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ क्या होता है कि नाइट्रोजन भी अंदर ले लेते हैं, तो उस नाइट्रोजन का आखिर होता क्या है? जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और उसके साथ भी क्या होता है कि नाइट्रोजन हमारे शरीर में चला जाता है, लेकिन उस नाइट्रोजन का होता क्या है? अब तो जानते हैं ये चीजें कि ऑक्सीजन जो लेते हैं वो अंदर जाके क्या होता है कि श्वसन क्रिया के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, फिर हम उसे बाहर छोड़ देते हैं, बट नाइट्रोजन का होता क्या है? जैसा कि हम लोगों को पता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक है, 78% नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 21% है, तो स्वाभाविक है कि ऑक्सीजन जब लेंगे तो नाइट्रोजन भी शरीर के अंदर जाएगा, लेकिन उस नाइट्रोजन का होगा क्या, यही सवाल इसमें पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो आपको हम बता देते हैं दोस्त कि नाइट्रोजन जो होता है वो किसी भी जीव जंतु के द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है, ठीक है, उसके कोई उपयोग का नहीं होता है, चाहे पेड़ पौधा हो चाहे जीव जंतु, वो भी ऑक्सीजन को नाइट्रोजन को अवशोषित नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ जब सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन हमारे शरीर में जाता है, जब ऑक्सीजन क्या होता है श्वसन क्रिया के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जब हम बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उसी के साथ क्या होता है कि नाइट्रोजन भी बाहर आ जाता है, उसके अंदर नाइट्रोजन का शरीर के अंदर कोई प्रक्रिया नहीं होता है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होता है कि बाहर चले आता है। तो ध्यान रखिएगा ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, यह सांस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होता है कि बाहर चला आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा और पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है दोस्त और इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, आप देखे होइएगा पिछले वीडियो में जो भी क्वेश्चन डाला गया था और प्रीवियस ईयर में जो हम आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे उससे मैच कीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन मैच करते हैं, तो इससे उठा करके डाले जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए आपको हम बोलते हैं कि वीडियो को शुरू से अंत तक के देखा कीजिए, लेकिन नहीं आप मानिएगा थोड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सेकेंड नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण की हाल ही में उत्पन्न हुई समस्या है। जी हाँ, पर्यावरण के लिए हाल ही में जो उत्पन्न हुई समस्या है इसमें से कौन सा है, तो आपको हम बता देते हैं कि ये जो है फर्स्ट नंबर क्या, ओजोन परत का क्षय, ओजोन परत का क्षय अभी क्या है कि हाल ही में बहुत ज्यादा जो है क्षय होना शुरू हो गया है, ठीक है, तो ये ओजोन परत जो होता है वो आपको हम बताते हैं सबसे ज्यादा जो क्षय किससे होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, ये तो पता है, और इसकी जो है सबसे पहले जो क्षय परत जो क्षय ओजोन परत हुई है उसकी जो है खोज जो कब की गई थी 1985 में, 1985 में, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कहां पे की गई थी, तो ये अंटार्कटिका के पास में की गई थी, वहां से इसकी जो है ओजोन परत की खोज की गई थी क्षय की, तो अब उस समय पता लगाया गया कि नहीं ओजोन परत जो है काफी क्षय हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, तो इसको ध्यान रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ओजोन छिद्र का अर्थ क्या होता है। जी हाँ, हम लोग तो जानते हैं या हम लोग हमेशा ये चीजें कहते हैं कि ओजोन परत में छिद्र हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादा यूज हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से क्या हो रहा है कि ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। दोस्त ओजोन परत जो है छिद्र कहने का मतलब क्या होता है,
ये बताना है हमें। देख लीजिए ऑप्शन पहला क्या कहा जा रहा है कि ओजोन परत में एक बड़ा सा छेद हो जाना, क्या ये ओजोन परत छिद्र होता है, या दूसरा नंबर आपको कहा जा रहा है इसमें कि ओजोन परत का पतला हो जाना, क्या ये ओजोन परत छिद्र होता है पतला हो जाना, या तीसरा नंबर आपको क्या कहा जा रहा है कि ओजोन परत के बिखरे हुए छोटे छोटे छिद्र होते हैं, क्या उसे ओजोन परत छिद्र कहा जाता है, या चौथा नंबर आपको कहा जा रहा है इसमें कि ओजोन परत में ओजोन का गाढ़ा हो जाना, क्या ये ओजोन परत छिद्र होता है। दोस्तों होता क्या है ओजोन परत छिद्र, हम लोग बचपन से ये चीजें पढ़ते आ रहे हैं कि ओजोन परत छिद्र हो गया है जिसकी वजह से पृथ्वी पर काफी भयंकर जो है गर्मी पड़ रही है। वो ओजोन परत छिद्र होता क्या है, ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि ओजोन परत का पतला हो जाना ओजोन परत छिद्र होता है। ठीक है, ये सेकेंड नंबर ऑप्शन जान लीजिए, जहां ओजोन परत क्या होता है पतला होता है उसे ओजोन परत छिद्र कहते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें छेद हो गया है, होल हो गया है, तो प्रकाश सूर्य से पराबैंगनी प्रकाश अल्ट्रावायलेट प्रकाश ज्यादा आ रही है, गर्मी पड़ रही है, ऐसा नहीं है। ओजोन परत में कोई छिद्र नहीं होता है। ओजोन परत जो होता है आपको पृथ्वी के वायुमंडल से 20 से 50 किलोमीटर की मोटाई में पाई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। और ओजोन परत जो पतला होती है उसी से क्या होता है कि काफी भयंकर गर्मी पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि कार्बन चक्र में कौन सा चरण शामिल नहीं है। जी हाँ, इसमें से कौन सा चरण स्टेप जो है कार्बन चक्र में शामिल नहीं है, कार्बन साइकिल में शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो आपको हम बताते हैं कि ये सेकेंड नंबर वाष्प उत्सर्जन, वाष्प उत्सर्जन क्या है कि आपका कार्बन चक्र में शामिल नहीं है, बाकी प्रकाश संश्लेषण भी है, श्वसन भी है, जीवाश्म ईंधन का जलना भी है, ये सब क्या है कि कार्बन चक्र में शामिल है, लेकिन वाष्प उत्सर्जन कार्बन चक्र में क्या है कि शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं। पहला कहा जा रहा है मीथेन, दोस्त मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस का एक घटक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही सबसे अधिक मात्रा में, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ये भी है, कौन नहीं है दोस्त, ये फोर्थ नंबर अमोनिया। अमोनिया क्या है कि ग्रीन हाउस गैस का ये घटक नहीं है, ग्रीन हाउस गैस का एक पार्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि जल प्रदूषण शब्द को कई तरीकों से परिभाषित किया जाता है, तो यह कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है परिभाषित नहीं करता है, किसे, जल प्रदूषण को, जल प्रदूषण को कौन परिभाषित नहीं करता है। पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर क्या कहा जा रहा है कि जल के निकायों में अवांछनीय पदार्थ का मिलना, दोस्त जल में अगर कोई अवांछनीय पदार्थ मिल रहा है तो जल प्रदूषण होगा ही। अवांछनीय पदार्थ मतलब क्या, बेकार पदार्थ, तो बेकार पदार्थ अगर जल में मिल रहा है तो वो तो जल प्रदूषण करेगा ही, वो तो होगा ही। सेकेंड नंबर देख लीजिए, सेकेंड नंबर कहा जा रहा है कि जल के निकाय में अवांछनीय पदार्थों का हटाना, तो अवांछनीय पदार्थ पहले से मिला हुआ है तभी तो हटाया जा रहा है, तो जल प्रदूषण पहले से है, ठीक है, तो ये भी होगा ही। तीसरा नंबर देख लीजिए, तीसरा नंबर कह रहा है जल निकाय के दबावों में क्या है कि परिवर्तन, तो ये नहीं है, ठीक है, जल प्रदूषण का ये पार्ट नहीं है कि जल निकायों के दबाव में परिवर्तन, ये मेरा क्या होगा कि करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, जान लीजिए, बाकी फोर्थ नंबर भी वो जल का ही क्या है कि प्रदूषण का एक पार्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हवा में मौजूद नाइट्रोजन के अणुओं को, हवा में जो नाइट्रोजन मौजूद होता है उसके अणुओं को नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तन किया जा सकता है किसके द्वारा। जी हाँ, कौन जो है, वायु में तो नाइट्रोजन होता है ना, तो ये तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी जीव जंतु नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करता है, जान लीजिए, पौधा भी डायरेक्ट नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करता है, समझ जाइए, तो पौधा भी डायरेक्ट नहीं करता है, चाहे कोई जीव जंतु भी नाइट्रोजन का डायरेक्ट उपयोग नहीं करता है, तो उसे क्या होता है कि नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदला जाता है, फिर जो है उसे जो है यूज किया जाता है उर्वरक के रूप में, ठीक है। तो ध्यान रखिए, तो यही कहा जा रहा है कि हवा में जो नाइट्रोजन है उसके अणुओं को नाइट्रेट या नाइट्राइट में कौन जो है बदलने का काम करता है, किसके द्वारा बदला जाता है, तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि यह फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन होगा, क्या, मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है जैविक प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल देता है। अब समझिएगा कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है कौन, आखिर कौन है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल देता है, तो आप जानते होइएगा, आपको हम बताते हैं कि राइजोबियम का नाम सुनो होइएगा जो पौधे के जड़ों में होता है, तो वो क्या करता है कि नाइट्रोजन गैस को क्या करता है कि कलेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद वो क्या करता है कि राइजोबियम नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल देता है, जिसके कारण क्या होता है कि पौधे को
अधिक जो है उर्वरक प्राप्त होने लगता है और उससे क्या होता है कि उपज अधिक होता है। तो पौधे के जड़ों में क्या होता है कि आपका राइजोबियम पाया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है और पूछे भी जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्प में, यहां जो विकल्प दिया गया है इसी में से, ठीक है, कौन सा विकल्प जो है अधिक मात्रा में उर्वरक और कीटनाशकों को उपयोग के लिए सही नहीं है। तो कौन सा जो है सही नहीं है इसमें कहा जा रहा है, अगर अधिक मात्रा में आप उर्वरक का कीटनाशक यूज कर रहे हैं तो कौन सा सही नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि अधिक मात्रा में अगर उर्वरक का कीटनाशक यूज करते हैं तो ये फर्स्ट नंबर पर्यावरण के अनुकूल सही नहीं है, पर्यावरण के अनुकूल सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन जान लीजिए कि अगर ज्यादा मात्रा में हम उर्वरक कीटनाशक यूज करते हैं तो ये गजब हाल है भाई। चलो, ये सेकेंड नंबर आप जो देख रहे हैं, कुछ समय के बाद क्या होता है कि खेत क्या होता है कि बंजर बन जाता है। ये भी सही है कि बंजर बन जाता है, लेकिन उपयुक्त इसमें कह रहा है कि उपयोग के लिए सही नहीं है, तो ये फर्स्ट नंबर नहीं है। बाकी ये सब तो होता ही है उर्वरक के यूज से, तो कीटनाशक के यूज के, तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं। चलो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बैक्टीरिया द्वारा, अरे यार तो मुझे लगा कि हिचकी होना शुरू हो गया, दो मिनट रुकिएगा। हाँ तो चलिए, क्या कह रहे थे, हिचकी आना शुरू हो गया, बताइए पढ़ाते पढ़ाते। आप लोग लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोग एक सब्सक्राइब तक नहीं करते हैं। चलिए कोई नहीं, मेरा काम है आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाना, बाकी आपका जो फर्ज है वो आप कीजिए, मेरा जो फर्ज है हम कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखे ना बंगाल बांग्लादेश में शेख हसीना क्या हो गया था, इंडिया आ गई, वहां पे मतलब इतना उग्र हो गया लोगों ने, तो समझिए ये, बाकी तो न्यूज देखते होइएगा। चलिए अब क्या पढ़ा रहे थे, हाँ क्या बता रहे थे, ये बता रहे थे कि बैक्टीरिया द्वारा क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग की प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में नहीं होता है, किसकी उपस्थिति में नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं होता है। तो ये तो राइजोबियम करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है, ये तो आपको बता दिए, लेकिन किसकी उपस्थिति में नहीं होता है। तो ध्यान रखिए, पहला नंबर क्या कहा जा रहा है, हाइड्रोजन आण्विक रूप, हाइड्रोजन आण्विक रूप में होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग, किसके उपस्थिति में नहीं होता है, ऑक्सीजन के मौलिक रूप में अगर उपस्थित हो तो यह नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, मतलब कि ऑक्सीजन होगा कहां, वायुमंडल में होता है, वायु में होता है, तो उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के दो रूप कौन से होते हैं। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन के दो रूप पाया जाता है, एक तो ऑक्सीजन खुद होता है, एक ओजोन होता है। ऑक्सीजन का सूत्र O2, ओजोन का सूत्र क्या होता है O3 होता है। तो ये तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ओजोन और ऑक्सीजन, हाँ ये क्या है, थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, ओजोन और ऑक्सीजन, ये क्या है कि ऑक्सीजन का दो रूप होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि पर्यावरण में मौजूद सभी ऑक्सीजन क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि ओजोन में परिवर्तन हो जाए, ओजोन में कन्वर्ट हो जाए, जितना भी ऑक्सीजन है वायुमंडल में 21% सारा का सारा ओजोन में कन्वर्ट हो जाए तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाँ तो क्या होगा, जान लीजिए, अगर सारा का सारा ऑक्सीजन अगर ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान रखिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर कहा जा रहा है कि हम सुरक्षित रहेंगे, सवाल ही नहीं है। एकमात्र ओजोन परत जब पतला हो जाता है तो इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है और बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, मात्र ओजोन परत के पतला हो जाने से
इतनी अल्ट्रावायलेट रेज है आना शुरू हो जाता है। अगर सारा का सारा ऑक्सीजन ही जब ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हम सेफ रहेंगे? बिल्कुल नहीं सेफ रहेंगे। दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर क्या कहा जा रहा है, दूसरा नंबर कहा जा रहा है कि यह जहरीली हो जाएगी और क्या होगा कि जीवित रूप को क्या होगा कि मार देगा। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ये दो नंबर पकड़ लीजिए कि ये सही हो सकता है। तीसरा जान लीजिए, तीसरा नंबर कह रहा है कि ओजोन जो होता है स्थिर नहीं है, ओजोन स्टेबल नहीं, स्थिर नहीं है, इसलिए यह क्या होगा कि विषाक्त हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा। बिल्कुल सही है, यह भी सही है। फोर्थ नंबर देख लीजिए, कहता है कि यह हानिकारक सूर्य के विकिरणों को क्या करता है कि पृथ्वी तक पहुंचने और कई कई जीवन को जो है रूप में क्या हो सकता है कि इसको क्षति पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, मदद कर सकता है। यह भी सही है। मतलब फर्स्ट नंबर अगर छोड़ दीजिए तो दोस्त ये तीनों चीज पॉसिबल हो सकता है अगर पृथ्वी के जितने भी ऑक्सीजन है अगर ओजोन में कन्वर्ट हो जाए तो ध्यान रखिएगा ये तीनों पॉसिबल है मेरा, ये फर्स्ट नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्त कहते हैं कि पढ़ा कीजिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल न हो तो पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होगा, पृथ्वी का तापमान क्या होगा। तो पहली नंबर जान लीजिए, यहां तापमान की बात कर रहा है, इसलिए हम आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए कि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो जीवन का क्या होता है, जीवन का अस्तित्व ही पृथ्वी पर नहीं होता, जितने भी जीव जंतु है कुछ नहीं होते यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे हमें सिर्फ टेम्परेचर के बारे में पूछा जा रहा है, न कि जीवन के अस्तित्व के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए हम सिर्फ टेम्परेचर की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर वायुमंडल पे मान लीजिए कि हमारा यह वायुमंडल अगर ना हो, पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो क्या होगा कि दिन में का जो टेम्परेचर होगा दोस्त क्या होगा कि काफी अत्यधिक बढ़ जाएगा, काफी गर्म हो जाएगा दिन का टेम्परेचर, और रात में जो टेम्परेचर काफी डाउन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, दिन में टेम्परेचर काफी हाई होगा, रात में क्या होगा कि काफी डाउन हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडल ही है जो क्या होता है टेम्परेचर को बढ़ने से रोकता है, नहीं तो काफी हाई हो जाता है, काफी लो हो जाता है नाइट में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसलिए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन मेरा कौन सा होगा इसमें, हाँ ऑप्शन जो होगा ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, दिन में बढ़ेगा और रात में क्या होगा कि घटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मछली जो है सतह पर भोजन करती है। जी हाँ, सतह पर भोजन करती है, इसमें से कौन सा मछली है। ध्यान रखिए, पहला नंबर कह रहा है क्या, रोहस, मतलब रोहू होता है, इसको रोहस कहते हैं। दूसरा जान लीजिए कि मृगल। तीसरा नंबर कहा जा रहा है आपको कि कॉमन कॉर्प। चौथा नंबर कह रहा है कैटलेस, कौन जो है सतह पर भोजन करता है। तो आपको हम बता देते हैं दोस्त कि इसमें से कौन सा मछली है, तो ये फोर्थ नंबर कैटलस, कैटलस जो है क्या होता है कि सतह पर भोजन करता है। बाकी आप रोहू जो देख रहे हैं वो स्तंभ पर भोजन करता है, अब मृग और कॉर्प कॉमन कॉर्प है, मृग और कॉमन कॉर्प ये भी क्या करते हैं कि ये नीचे क्या करते हैं, कॉमन कॉर्प जो होता है क्या होता है पानी के नीचे जाकर के क्या होते हैं कि भोजन करते हैं। सिर्फ सतह पर भोजन करने वाले इसमें से कैटलासी है, कैटलासी क्या करता है कि सतह पर भोजन करता है अपना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी नस्ल है। जी हाँ, विदेशी नस्ल है, इसमें से कौन सी, चार को दिया हुआ है, एक तो क्या दिया हुआ है कि वॉर्न दिया हुआ है, दूसरा नंबर दिया हुआ है जर्सी, तीसरा नंबर वॉर्न ब्राउन स्विप्स दे दिया है, तीसरा नंबर जर्सी स्विप्स दे दिया है। दोस्त इसमें से विदेशी नस्ल है कौन, ये बताना है। तो आपको हम बताते हैं कि जर्सी, जर्सी जो देख रहे हैं जर्सी गाय, जर्सी भैंस जो होती है ये विदेशी नस्ल है। उसके बाद ब्राउन स्विप्स ये दो और तीन नंबर क्या है कि विदेशी नस्ल है, विदेशों से भारत ने आयात करके यहाँ पे क्या है कि इसका पालन पोषण किया जाता है, पशुपालन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसमें दो और तीन ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, हाँ ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा विदेशी नस्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मधुमक्खी की प्रजाति इताइवी प्रजाति की है। जी हाँ, कौन सी मधुमक्खी की प्रजाति जो है इताइवी प्रजाति की मधुमक्खी है, इसको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। आपको हम बताते हैं कि इताइवी प्रजाति की जो मधुमक्खी है ये फोर्थ नंबर है, क्या, एपिस मेलिफेरा, ये इताइवी प्रजाति के है। ठीक है, इसे भारत में शहद के लिए क्या किया जाता है कि पाला जाता है, व्यवसाय के लिए काफी शहद ये जो है जुटाती है, तो इसे ये विदेशी प्रजाति है। चलिए
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि देश की खाद्य समस्या को हल करने के लिए, देश के खाद्य समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। जी हाँ, क्या जरूरी, हम क्या कर सकते हैं कि सबकी खाद्य समस्या जो हो वो समस्या खत्म हो जाए, पूर्ति होते रहे सबको। तो पहला देख लीजिए, पहला नंबर कहा जा रहा है कि खाद्य उत्पादन और भंडारण में क्या करना चाहिए कि वृद्धि कर देना चाहिए, मतलब खूब उपजाओ, खूब जो है स्टोरेज करके रखो, तब जो है खाद्य समस्या खत्म हो सकती है। तो बिल्कुल सही है, जितना ज्यादा उपजाइएगा, जितना ज्यादा स्टोरेज करके रखिएगा, तब क्या होगा कि आपका खाद्य समस्या नहीं होगा। दूसरा नंबर कहा जा रहा है कि खाद्य की क्या है, लोगों की क्या है कि खाद्यान्न तक आसानी से पहुंच होना। जी हाँ, मान लीजिए कि आप अगर खाद उपजा नहीं रहे हैं तो इतना जरूर होना चाहिए कि आप जहां उपज हो रहा है वहां पे आप आसानी से पहुंच जाए, और उसे क्या हो कि आप जो है खरीद करके या वहां पे उपज करके आसानी से उसे जो है ला सके। तो ये आसानी से पहुंच भी होना चाहिए, फर्स्ट सेकेंड भी होगा। थर्ड नंबर देख लीजिए, थर्ड नंबर कह रहा है कि लोगों के पास अनाज खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए। बिल्कुल सही है, अगर अनाज खरीदने के लिए पैसे होंगे तभी तो वो खाद्य समस्या का हल कर पाएंगे, नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिए, ये थर्ड नंबर भी मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो देखिए लिए हैं, मतलब कि ये तीनों होगा, उपयुक्त में सभी होगा, तो ये तीनों होगा, ध्यान रखिएगा। यानी फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है, उसका चयन करना है, इसमें से चुनना है कि कौन सा गलत है। तो ध्यान रखिए, पहला नंबर क्या कहा जा रहा है कि श्वेत क्रांति, ठीक है। अच्छा, गलत कथन को चुनना है ना, हाँ, तो गलत कथन को चुनना है। पहला देख लीजिए कहा जा रहा है इसमें क्या कि श्वेत क्रांति का मतलब होता है कि दूध में उत्पादन की वृद्धि करना। तो जी बिल्कुल सही है कि दूध में जब ज्यादा वृद्धि हो जाती है तो उसे श्वेत क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं, क्या है कि जब वृद्धि होती है, तो यह बिल्कुल सही है। सेकेंड नंबर देख लीजिए, सेकेंड नंबर कह रहा है कि नीली क्रांति का मतलब होता है क्या कि मछली के उत्पादन में वृद्धि करना है। बिल्कुल सही है, नीली क्रांति मत्स्य पालन से ही संबंधित होता है, अब मछली पालन में जब वृद्धि किया जाता है तो वैसे नीली क्रांति के नाम से जानते हैं, यह भी सही है। थर्ड नंबर देख लीजिए, थर्ड नंबर कहा जा रहा है इसमें पर्यावरण की गुणवत्ता और समझौता के लिए बिना खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना और टिकाऊ कृषि कहलाता है, यह भी सही है। ये थर्ड नंबर सही है, मतलब कि ये कथन जो है इसमें से गलत कथन का चयन करना है, तो इसमें से कोई भी गलत कथन नहीं है, मतलब ये फोर्थ नंबर है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ऊपर में से जो दिया गया है वो कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है, सारा का सारा सही स्टेटमेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है इसमें कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है, इसमें से कौन सा जो है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है, किससे कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं हो सकता, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं होता है, देख लीजिए, चावल से भी होता है कार्बोहाइड्रेट, बाजरा जो होता है रोटी उटी बाजरा का बता है उससे भी कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, ज्वार से भी होता है, चना से नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, चना जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तेल जो है, कौन सा तेल जो है देने वाला पौधा है, जी हाँ, कौन सा जो है ये तेल देने वाला पौधा है, इसमें ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि ये सेकेंड नंबर सूर्यमुखी, सूर्यमुखी का फूल देखे होइएगा, उससे क्या होता है कि तेल प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या होगा कि मेरा सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि पोल्ट्री मुर्गियां निम्नलिखित रोग जनक को के प्रति जो है संवेदनशील होती है, मतलब कि तुरंत उसको ये रोग होने की संभावना होती है, इसमें से कौन सा, ध्यान रखिएगा, जो पोल्ट्री फार्म खोलते हैं तो पोल्ट्री फार्म में जो पाले जाते हैं मुर्गी तो उसमें कौन सी रोग जो है इसमें से जो है काफी जल्दी होने की संभावना होती है। पहला नंबर कह रहा है कि वायरस, ये भी जल्दी होने की संभावना होती है। दूसरा नंबर कहता है कि बैक्टीरिया से भी इसे जो है संक्रमित होने की संभावना बहुत जल्द होती है, कवक से भी होती है, यानी कि फोर्थ नंबर होगा मेरा करेक्ट, इनमें से सभी, उपयुक्त में से सभी, इसलिए पोल्ट्री फार्म का मुर्गियां नहीं खाना चाहिए, आपको बताते हैं, लेकिन आप लोग तो चिकन आप दम धा के रगड़ने पे लगे रहते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्त, ये क्या था कि अपना 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। तो दोस्त काफी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे एएलपी और टेक्नीशियन के लिए क्वेश्चन आपका प्रोवाइड कराया जाता है जो एग्जाम के मद्देनजर हम आपके लिए लेकर के आते हैं। इसलिए दोस्त, अगर अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट आज ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और
जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं जाकर के टेस्ट दे लीजिए, आज ही वर्तक लिंक एक्टिव है। और जो लोग नए हैं उन्हें पता नहीं है कि टेस्ट कहां से दिया जाएगा, तो दोस्त लिंक पे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे लिखा हुआ है टेस्ट के लिए लिंक, पासकोड भी लिखा हुआ है, बिल्कुल फ्री में होता है, निःशुल्क होता है, एक रुपया पैसा नहीं लगता है, आप जाकर के वहां पे टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक नए सेट के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।